स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। शेप्स मॉलिक्यूल्स की डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम होएगा और बॉन्डेड एटम होएंगे। तो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम डिपेंड करेगा कि उसके साथ बॉन्डेड एटम कितने हैं। जो सेंट्रल एटम है वो डिपेंड करेगा कि बॉन्डेड एटम कितने होंगे। और जो बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम हम वो कंसिडर करेंगे जिनकी वैलेंसी वन हो। हाइड्रोजन की वैलेंसी वन होती है और हैलोजन्स की। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ जाता है, ठीक है, आयोडीन। तो आयोडीन के बहुत रेयर होंगे केसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम शेप्स डिस्कस करते हैं डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम। मॉलिक्यूल की जो हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जिनमें ओनली बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट टाइप इज AB2 मॉलिक्यूल। AB2 मतलब A सेंट्रल एटम होएगा, जो B है वो बॉन्डेड एटम हो गए। तो B कितने हैं? 2। तो हम ऐसा सेंट्रल एटम कंसिडर करेंगे, ऐसा सेंट्रल एटम लेंगे जिसकी वैलेंसी 2 हो। तो वैलेंसी बेरिलियम की 2 होती है, ठीक है। तो बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है। तो हमने जो बॉन्डेड एटम कंसिडर करने हैं वो कंसिडर करने हैं जिनकी वैलेंसी हो 1। तो हाइड्रोजन कंसिडर कर सकते हैं और फ्लोरीन कंसिडर कर सकते हैं। तो जब बेरिलियम सेंट्रल एटम होएगा, तो हमने पोस्टुलेट में देखा था जो बॉन्डेड एटम होते हैं वो अपने आप को उस एंगल पे अरेंज करेंगे कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। तो सिर्फ हमारे पास 2 बॉन्डेड एटम है, तो हाइड्रोजन अपने आप को सेंट्रल एटम के अराउंड 180 डिग्री के एंगल पे अरेंज करेंगे टू अवॉइड रिपल्शन। तो इसका सिमिलर केस हो सकता है फ्लोरीन के साथ। तो ये 2 बॉन्डेड एटम थे। 2 बॉन्डेड एटम ने अपने आप को इस सेंट्रल एटम स्फीयर के अराउंड 180 एंगल पे अरेंज कर लिया टू अवॉइड रिपल्शंस। तो ये एक लाइन सी नज़र आ रही है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होएगी, ज्योमेट्री इसकी हो सकती है लीनियर। तो ज्योमेट्री नेम लिखना ज़रूरी होता है, क्या होता है, लीनियर। और एंगल भी कंपलसरी होता है कि एंगल कितना होएगा इनके बीच में। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB3 मतलब सेंट्रल एटम जो है उसके साथ 3 बॉन्डेड एटम है। तो मतलब हम वो सेंट्रल एटम लेंगे जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो थर्ड चैप्टर था यो, एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने वैलेंसी डिस्कस की थी। तो इसमें हम चेक करेंगे कि जो बोरन फैमिली होती है, ग्रुप नंबर 13, उसकी वैलेंसी 3 होती है। तो बोरन की फैमिली का मेंबर बोरन हो सकता है और एल्युमिनियम। तो सेंट्रल एटम बोरन एल्युमिनियम हो गए। और इनके साथ कौन बाइंड करेंगे जिनकी वैलेंसी 1 हो, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्टली डिस्कस करते हैं, जैसे BF3 ले लेते हैं, बोरोन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड। तो जो ये बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम सेंट्रल एटम के अराउंड ऐसे एंगल पे अरेंज होंगे कि इन्हें रिपल्शन लेस फील हो। तो ज्योमेट्री ही उस अकॉर्डिंग फॉर्म करेंगे टू अवॉइड रिपल्शंस। तो जो फ्लोरीन एटम थे, इन्होंने अपने आप को 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज कर लिया। तो इन सभी फ्लोरीन, ये FBF एंगल जो है, दैट इज़ 120 डिग्री। तो इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है, जैसे आपने फ़ैन देखा होगा, फ़ैन का जो सेंट्रल पार्ट है और उसके जो विंग्स हैं, ये विंग्स, ठीक है। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्रिग्नल प्लेनर। तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रिग्नल प्लेनर।
ठीक है जी, नेक्स्ट हम ए बी फोर टाइप डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज ए बी फोर टाइप। ए बी फोर में क्या होगा, जो सेंट्रल एटम होगा उसकी वैलेंसी फोर होनी चाहिए और जो बॉन्डेड एटम है उसकी वैलेंसी वन। तो वैलेंसी फोर वाला कार्बन होता है, कार्बन फैमिली के मेंबर्स सिलिकॉन, ठीक है जी। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन बाइंड कर सकता है, फोर बॉन्ड बना सक एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो फोर हाइड्रोजन बाइंड करेंगे। क्लोरीन बाइंड कर सकता है सिलिकॉन के साथ, सिमिलरली हाइड्रोजन बाइंड कर सकता है, क्लोरीन बाइंड कर सकता है। तो जो सेंट्रल एटम है कार्बन, उसके अराउंड ये फोर हाइड्रोजन फोर क्लोरीन चाहे जो भी ले हम मॉलिक एटम बॉन्डेड एटम, वो अपने आप को एक ऐसे एंगल पे अरेंज करेंगे कि इनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो एंगल होता है 109.28 मिनट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री। दिस टाइप इज टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री और शेप। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ए बी फाइव के लिए। नेक्स्ट इज ए बी फाइव। ए बी फाइव मतलब जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसी फाइव, जो बॉन्डेड एटम है उसकी वैलेंसी वन। तो फाइव तो नाइट्रोजन फैमिली जो होती है उसकी वैलेंसी फाइव होती है। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, बट हम फाइव वैलेंसी के लिए नाइट्रोजन कंसिडर नहीं करते। नाइट्रोजन फाइव बॉन्ड नहीं बनाता, ये थ्री बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं हो पाती, इसलिए ये तीन बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। जो फॉस्फोरस है तो हमें नाइट्रोजन का नेक्स्ट फैमिली मेंबर फॉस्फोरस, ये फाइव और थ्री बॉन्ड बनाता है, तो हम फाइव वाले में कंसिडर करेंगे इसे, इसकी वैलेंसी फाइव। जो बॉन्डेड एटम होंगे यहाँ पे बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन नहीं होगा, पी के साथ बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन नहीं होएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि पीएच फाइव एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। ओनली फॉस्फोरस ये एग्जिस्ट करेगा, ये इसके पीछे रीज़न है डिफरेंट। तो फॉस्फोरस के साथ ओनली हैलोजन ही अटैच होंगे वन वैलेंसी वाले, तो ये पी एफ फाइव हो सकता है और पी सी एल फाइव हो सकता है। तो अब जब हम इसकी ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे, जो ज्योमेट्री इज लाइक दिस, जैसे ये फैन ले लेते हैं, फैन सेंटर है उसका, ये विंग्स हैं उसके, और ये एक ऊपर रोड होगी फैन के जिसके साथ वो रूफ पे अटैच होएगा, और एक हम नीचे कंसिडर कर लेते हैं कोई, हमने एज अ डेकोरेटिव पर्पस कोई रोड है नीचे, एक नीचे रोड है एक ऊपर रोड है। तो ये हो गए दो बॉन्ड ये वाले, इन दो बॉन्ड्स को बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। और ये जो फैन के विंग्स हैं इन्हें, इन तीन बॉन्ड्स को बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एक्सियल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो कुछ इस टाइप ये हो गया हमारा थ्री, ये फैन का स्फीयर, उसके विंग्स, यहाँ ये रोड से रूफ पे लगा हुआ है और एक नीचे रोड है। तो इस टाइप की ज्योमेट्री होगी अगर हम इसे 3D में देखेंगे। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को नेम देते हैं TBP। TBP इज ट्रिगनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रिगनल बाईपिरामिडल, ठीक है, ट्रिगनल, बी से बाई, पी से पिरामिडल, ठीक है जी। सो इस टाइप का ये मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजन नहीं बनाता फोर बॉन्ड, और हाइड्रोजन एक इसके साथ H5 में नहीं बॉन्डेड होगा, थ्री में होगा, तो हम इस केस में ओनली हैलोजन ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज AB6 टाइप। AB6 टाइप सेंट्रल एटम वो होना चाहिए जिसकी वैलेंसी 6 हो और बॉन्डेड जिसकी वैलेंसी 1 हो।
तो सिक्स वाले में ऑक्सीजन सल्फर फैमिली मेंबर्स ऑक्सीजन फैमिली के, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो टू होती है, तो ये सिक्स बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर हम ओनली बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड पेयर में जो सल्फर है, सल्फर अपनी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी सिक्स होएगी। ये अपनी वैसे तो अगर ये इसकी फैमिली का मेंबर है तो इसकी वैलेंसी भी टू होनी चाहिए, बट ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर लेता है। कैसे एक्सटेंड करता है? दिस इज सल्फर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p4। तो इसमें वेकेंट डी होते हैं, वेकेंट डी प्रेजेंट होते हैं 3d। तो जब हम थोड़ा सा इसे एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को, ये यहाँ पे एक्साइट कर जाएगा, यहाँ पे सिंगल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट कर जाएगा, ये सिंगल, तो कितने अनपेड आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो हमें 6 ही चाहिए, B6, ठीक है जी। तो ये एटम्स अपने आप को उसके सल्फर के अराउंड ऐसे अरेंज करेंगे टू अवॉइड रिपल्शंस। तो हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन SH6 नहीं फॉर्म होएगा, इसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। तो जो वन वैलेंसी वाले आएंगे वो फ्लोरीन आएंगे, ओनली फ्लोरीन, क्लोरीन भी नहीं आ सकता, इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है जी। तो ओनली SF6 फॉर्म होएगा। SF6 कैसे? तो ये जो टू बॉन्ड्स हैं, जैसे हमने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है जी, एक यहाँ पे बॉन्ड लगा दिया, इसके एक नीचे बॉन्ड लगा दिया, अगर 3D में इमेजिन करें, ठीक। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का नेम देते हैं। ये वेल पैक्ड ज्योमेट्री होती है, यहाँ पे मॉलिक्यूल वेल पैक्ड, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे AB7 टाइप। AB7 टाइप में सेंट्रल एटम की वैलेंसी 7 होनी चाहिए, तो 7 हम बोल सकते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन फैमिली के मेंबर्स में, मतलब ये सेंट्रल एटम 7 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो फ्लोरीन तो सिर्फ एक बॉन्ड ही बना पाता है, क्लोरीन एक या तीन बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन 1 3 5 बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ आयोडीन ही होता है जो 7 बॉन्ड पेयर्स फॉर्म कर सकता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, ठीक है जी। तो आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज़ 5s2 और 5p5। तो इसमें वेकेंट डी होएंगे, तो हमें कितने अनपेयर चाहिए? 7। तो इसको एक्साइट करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये वाला भी यहाँ से एक्साइट होगा और ये वाला भी, तो टोटल हमारे पास 7 अनपेयर्ड हो जाएंगे। 7 अनपेयर्ड हो गए, तो आयोडीन, अब एक वैलेंसी वाला हाइड्रोजन तो 7 आएंगे नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड, फ्लोरीन के साथ ही ये 7 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाता है। तो मैं रीज़न एक्सप्लेन करूँगी कि PH5, SH6 और IH7 क्यों नहीं फॉर्म होते, और जो ICl6 क्यों, ICl7 क्यों नहीं फॉर्म हो रहा, तो इसके पीछे रीज़न हो गए, SCl6 क्यों नहीं फॉर्म हो रहा। तो मैं ये रीज़न एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जो IF7 है वो फॉर्म नहीं होएगा, सॉरी IF7 फॉर्म होएगा, IH7 नहीं फॉर्म होएगा। तो ये अपने आप को ऐसे एंगल्स पे अरेंज करते हैं, तो इस टाइप की ज्योमेट्री होती है। पहले ऑक्टाहेड्रल बना लो, यहाँ से एक बॉन्ड और लगेगा, तो इस टाइप की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं PBP, दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। पी पेंटा, बी इज बाई पेंटागोनल, बी इज बाई, पी इज पिरामिडल। तो ये थी कुछ ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।